हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं सीजी टेट का एक प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन, जिससे आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए आपको एक लेवल पता चल जाएगा कि अभी रिसेंट जितनी भी एग्जाम्स हुई है उसमें किस तरीके के पेपर्स में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेवल किस तरीके से इंक्रीज हुआ है। ओके, तो सेशन को स्टार्ट करते साथ ही जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब द चैनल ताकि इसी तरीके से वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलते रहे। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं 8770803840। एक क्विक रिविजन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन यहाँ पर कम्प्लीट करेंगे। इसी तरीके से आपको हिंदी का, ईवीएस का, इंग्लिश का सारे ही कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर प्रैक्टिस करवा दिए जाएंगे, ताकि आपका जो अपकमिंग एग्जाम अभी आने वाला है उसमें आपकी तैयारी इंप्रूव हो सके। ठीक है, सीडीपी के 30 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पेपर आपका बाइलिंगुअल है, दोनों ही इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए, आंसर करिए। अकादमिक उत्कृष्टता की बात तो यदि करी जाए, अकादमिक उत्कृष्टता की मांग के इस दौर में विद्यालयों में खेलकूद का समावेश होता है। हिंदी में यदि समझ नहीं आए तो आप यहाँ पर इंग्लिश में देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इन दिस एज ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस डिमांड इंक्लूजन ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन स्कूल्स इज, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है? जहाँ पर हम लोग जानते हैं कि आज के दौर में जहाँ पर हर कोई एकेडमिक उत्कृष्टता चाहता है, दैट मीन्स वो अपने एक्सीलेंस चाहता है, मतलब वो अपना अच्छा परसेंटेज चाहता है। हर कोई बच्चा चाहेगा या हर कोई पेरेंट्स चाहेगा कि उसके बच्चे के 90% बने, 80% बने, फर्स्ट डिवीज़न उसका यहाँ पर बने। तो इसमें यहाँ पर गेम्स और स्पोर्ट्स को आगे लेकर आना, इनमें समावेश करना बच्चों का, ये क्या सिखाता है? समय की बर्बादी, अकादमिक कार्यों से बहुत सा समय ले लेना, मतलब कि जहाँ पर एकेडमिक काम कम करना पड़े खेलकूद में ज़्यादा समय लगे, फुर्सत तथा विश्राम या तनाव मुक्ति के लिए यहाँ पर समय देना, गिविंग टाइम फॉर लीजर और रिलैक्सेशन व्यक्ति विशेष के समन्वित विकास हेतु ये आवश्यक है। हम लोग चाहते हैं कि ये जो डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होती है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। दैट मीन्स यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बन जाएगा, क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, व्यक्ति विशेष के समन्वित विकास हेतु यह चीज़ बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टू को देखते हैं। एक 12 वर्षीय बालक के सामाजिक विकास के लिए सर्वोत्तम स्थान क्या होता है? मतलब एक 12 साल का बच्चा है, उसका यदि हम लोग चाहते हैं कि सोशल डेवलपमेंट हो, तो क्या चीज़ सबसे ज़्यादा सही रहेगी, कौन सा सही प्लेस होगा? आस पड़ोस, नेबरहुड के माध्यम से, परिवार के माध्यम से उसका सोशल डेवलपमेंट अच्छे से हो चुकेगा, या फिर खेल का मैदान, या फिर विद्यालय। हम सभी को पता है बच्चा जब 3 से 4 साल का होता है उसके बाद उसका स्कूलिंग वगैरह स्टार्ट हो जाता है। जो भी सोशल डेवलपमेंट की बात होगी वो कौन करेगा? स्कूल करेगा, वहाँ का विद्यालय गेम्स वगैरह करेंगे, खेल का मैदान करेगा, है ना? तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं इन दोनों में से क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? प्लेग्राउंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पर बच्चे को कई सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। मॉरल वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें बच्चा कहाँ से सीखेगा? प्लेग्राउंड से सीखेगा, खेल के मैदान से सीखेगा, राइट? तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री को देखिएगा। बाल्यावस्था में व्यक्तित्व कैसा होता है? द पर्सनालिटी इन चाइल्डहुड स्टेज, अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट होती है, एक्सट्रोवर्ट होती है यानी कि बहिर्मुखी होती है, एम्बिवर्ट उभयमुखी होती है, या फिर ये सारी चीज़ें? देखो तीनों चीज़ें एक साथ तो दिखाई नहीं देगी। जब हम लोग चाइल्डहुड स्टेज की बात करते हैं तो बच्चा उस समय कैसा रहता है? बहिर्मुखी रहता है। कैसा रहता है? एक्सट्रोवर्ट रहता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इस समय पर बच्चा हर एक एक्टिविटी को करने की कोशिश करेगा, हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करेगा, तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ लोगों से बातचीत करना, कनेक्शन बनाना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। क्वेश्चन नंबर फोर आपकी स्क्रीन पर है। एक विद्यार्थी जो अर्धवार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया है, आप उसकी मदद कैसे करेंगे? जो अपना हाफ ईयरली एग्जाम जो होता है उसके अंदर फेल हो गया है, मतलब हाफ ईयरली मतलब एनुअल एग्जाम भी होगी, मतलब कहीं ना कहीं फीडबैक मिलने के और यहाँ पर उसकी समस्या का पहचानने के और उसको आइडेंटिफाई करने का मौका मिलेगा, दैट मीन्स डायग्नोसिस होगा और रिमीडियल करने के चांसेस हमारे पास है। तो आंसर भी DR के फॉर्म में ही होगा। कृपांक प्रदान करके, मतलब उसको ग्रेस मार्क्स दे दिए जाते हैं, वो तो फाइनल एग्जाम में दिए जाते हैं एनुअल में। बाय होल्डिंग री एग्जामिनेशन, पुनः परीक्षा आयोजित करके उसका री एग्जामिनेशन करवाया जाए। बाय री टीचिंग डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, जितने भी टफ कॉन्सेप्ट है उसको क्या किया जाए? रीटीच किया जाए, पढ़ाया जाए। बाय आस्किंग पेरेंट्स टू अरेंज प्राइवेट ट्यूशन, पेरेंट्स को बोल दिया जाए कि इसकी ट्यूशन लगवा ली जाए। तो कौन सा सबसे अच्छा तरीका यहाँ पर हो सकता है? कठिन अवधारणाओं को पुनः अध्ययन करवा के, मतलब जो भी उसको टफ टास्क लगे हो, जो भी टफ सब्जेक्ट रहा हो, जो भी टफ कॉन्सेप्ट रहा हो, उसको क्या किया जाए? फिर से पढ़ाया जाए, पुनः पढ़ाया जाए।
तो हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने के लिए कैसे अभिप्रेरित करेगा? अनुशासन, डिसिप्लिन मेंटेन करके, प्रश्न पूछकर, क्यूरियर उसकी जो जिज्ञासा है क्यूरिसिटी उसको जगाकर, या स्टोरी राइटिंग से? देखो, छात्रों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना तो डिसिप्लिन मेंटेन करके तो नहीं होगा। इसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन हमको लग रहा है कि उसकी जिज्ञासा को जगाकर हम लोग उसको लर्निंग यहाँ पर सिखा सकते हैं, उसके लिए मोटिवेट इसको यहाँ पर कर सकते हैं। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं, जिज्ञासा जगाकर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा, आंसर करिएगा। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में अच्छी आदतें डालने में कैसे सहायक होंगे? उनके साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ आयोजित करके, एक एज ए रोल मॉडल के रूप में, यूज़ ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, पुरस्कार तथा दंड का प्रयोग करके, ऑल ऑफ द अबव, कौन से तरीके के माध्यम से जो है यहाँ पर क्या कर सकता है, अच्छी आदतें डालने में सहायक हो सकता है। तो तीनों चीज़ें ठीक है। अब दंड ऐसा नहीं कि पीटना, उसको डांट कर, उसको समझा कर भी हम लोग कर सकते, तो ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा कि ये सारे तरीके यहाँ पर अपनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा, आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये पूछ रहा है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका, एक टीचर का रोल कैसा होना चाहिए? परमिसिव, ऑथोरिटेटिव, फैसिलिटेटिव और नन ऑफ द अबव, है ना। अब इसमें आप देख रहे हैं परमिसिव का या अनुज्ञात्मक का मतलब क्या होता है कि बच्चे को बहुत ही ज़्यादा लाड़ प्यार यहाँ पर मिल रहा है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं ना कि बच्चे जिससे बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, उनको किसी भी चीज़ के लिए डांटा नहीं जा रहा है, चाहे वो गलत काम भी कर रहा हो, तो परमिसिव तो हो नहीं सकता। अब ऑथोरिटेटिव और ऑथोरिटेरियन, ऑथोरिटेटिव क्या होता है, जिसमें हर चीज़ जो बच्चा गलत कर रहा है उसके लिए डांटा जाए, सही कार्य के लिए उसकी सराहना की जाए, तो ये बात तो अच्छी है। और फैसिलिटेटिव, उसकी सहायता करना, उसके लिए सहायक बनना जब भी बच्चे को ज़रूरत लगती है। तो हमको बताए NCF 2005 जो है उसके अकॉर्डिंग टीचर का रोल कैसा होना चाहिए, फैसिलिटेटिव होना चाहिए, फैसिलिटेटर की तरह टीचर को यहाँ पर अपना रोल प्ले करना चाहिए। तो हम लोग बोल सकते हैं सी आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, NCF ये बोलता है कि टीचर कैसा होना चाहिए, फैसिलिटेटिव होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके लिए रखा गया, एक बार से पढ़िए और इसका आंसर करिए। देखो बोल क्या रहा है क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार बच्चा कब मूर्त चीज़ों के लिए ज़्यादा तार्किक लेकिन अमूर्त विचारों का अभाव, मूर्त विचारों के लिए तार्किक कब हो जाता है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में हो जाता है, लेकिन अमूर्त विचारों का अभाव मतलब इसके अंदर अमूर्त विचार नहीं आए, मतलब इसके अंदर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज प्रेजेंट नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज हो जाएगा, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे एक तरीके से और बनता है, पियाजे के अनुसार बच्चा कब मूर्त चीज़ों के लिए ज़्यादा तार्किक, साथ ही ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, साथ ही अमूर्त विचारों का समावेशन भी पाया जाता है, मूर्त विचारों के लिए तार्किक भी हो गया है और अमूर्त विचारों का समावेशन भी पाया जाता है। तो ऐसा वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि किसकी बात कर रहा है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की बात कर रहा है, क्योंकि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में वो सारी चीज़ें होती है, मूर्तता भी आ जाती है और अमूर्तता भी आ जाती है, लेकिन अभी क्वेश्चन ने क्या बोला है, अमूर्त चीज़ों का अभाव, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बालकों में मानसिक मंदन की वजह ये हो सकती है, मेंटल रिटार्डेशन जो बच्चों के अंदर होता है वो किस कारण से होता है, गर्भाधान के समय क्रियाशील कारण, कोजेज ऑपरेटिव एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, जब गर्भ धारण किया हो उस समय कुछ कारण हो गए हो, है ना, जिसकी वजह से जो है मानसिक मंदता बच्चे के अंदर आ गई है, कुछ दवाइयों वगैरह का सेवन, माता के गर्भ में क्रियाशील कारण हो सकते, जन्म के बाद किसी दुर्घटना के फलस्वरूप, तो मेंटल रिटार्डेशन इन तीनों कारणों की वजह से हो सकता है, कोई भी कारण हो सकते हैं, जब बच्चा गर्भ में है या कोई दूसरे कारण यहाँ पर हो सकते हैं, है ना, सम एक्सीडेंट आफ्टर बर्थ यहाँ पर हो सकते हैं, तो इन सारे कारणों से मेंटल रिटार्डेशन MR यहाँ पर हो सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं, समस्यात्मक बालक से संबंधित कौन सा गुण यहाँ पर सही नहीं है। देखो पेपर में जब भी इस प्रकार के नहीं वाले क्वेश्चन आते ना, तो एक बार से थोड़ी सी नज़रें अपनी इंग्लिश की तरफ भी घुमा लेना, हो सकता है बहुत सारी बार ना हिंदी इंग्लिश में डिफरेंस आ जाता है क्वेश्चन में, और करेक्ट कौन सा माना जाएगा जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, ऐसे एक एग्जांपल इस पेपर में भी देखने को मिलेगा। डिस्कस करते हैं, समस्यात्मक बालक से संबंधित कौन सा गुण यहाँ पर सही नहीं लग रहा है, चोरी करना, क्रोध प्रकट करना, सामाजिक रूप से समायोजित होना और टेलिंग लाइज, झूठ बोलना। आपको क्या बोला है,
कि समस्यात्मक बालक में कौन सा गुण, अब समस्यात्मक बालक के साथ क्या क्या समस्याएं होती है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो चोरी कर सकता है, वो क्रोध प्रकट कर सकता है, वो झूठ बोल सकता है, लेकिन वो सोशली एडजस्ट नहीं हो सकता। अगर वो सोशली एडजस्ट है तो उसको यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड में कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं ये समायोजित बालक की विशेषता है, न कि समस्यात्मक बालक की। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। आई थिंक ऑप्शन मेरे पीछे हाइड हो रहा है। चलो 11 को देखो, आंसर करो। अधिगम अक्षमता जो होती है वो किन कारणों से होती है? वंशानुगत कारणों से, शारीरिक कारणों से, वातावरण संबंधी कारणों से, इन सभी से। लर्निंग डिसेबिलिटी की बात हो रही है, कोई भी कारण यहाँ पर हो सकते हैं, किसी भी कारण से यहाँ पर लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। वंशानुगत कारण अभी आपने देख लिया कि गर्भधारण के समय दिक्कत हो गई है, या फिर कोई भी रीजन यहाँ पर हो सकते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हो रहे हैं, कोई भी फिजियोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं, कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा, आंसर करिएगा। बालकों की अभिवृद्धि एवं विकास में अभिवृद्धि शब्द का क्या तात्पर्य? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ का मतलब क्या होता है? शारीरिक वृद्धि होना, मानसिक, शारीरिक, चारित्रिक या संवेगात्मक। क्या आंसर कर क्या होगे? शारीरिक कर क्या होगे? ऑप्शन नंबर बी। और डेवलपमेंट की बात करें तो वो ओवरऑल हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से व्यू रचना समस्या केंद्रित है? समस्या केंद्रित, प्रॉब्लमेटिक, प्रॉब्लम सेंटर्ड कौन सी चीज़ यहाँ पर हो सकती है? क्या प्रोजेक्ट मेथड के अंदर समस्या का समाधान किया जाता है, ह्यूरिस्टिक के अंदर, डिस्कवरी के अंदर, या इन सभी के अंदर? डेफिनेटली इन तीनों के अंदर क्या किया जाता है? समस्या का समाधान किया जाता है। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, प्रायोजना, अन्वेषण और खोज, तीनों ही यहाँ पर आपके करेक्ट हैं। 14th नंबर के क्वेश्चन को देखिए, आंसर करिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षक की भूमिका के संबंध में सही नहीं है? शिक्षक को क्रिटिक बॉडी होना चाहिए। एक सेकेंड, इसको आप यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षक की भूमिका के संबंध में सही है ना, आपको सही कथन यहाँ पर बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ टीचर इज करेक्ट? टीचर को समालोचनात्मक होना चाहिए, शिक्षक को अच्छे शिक्षार्थियों का पक्ष लेना चाहिए, शिक्षक का विद्यार्थियों के प्रति मित्रवत दृष्टिकोण होना चाहिए, मतलब यहाँ पर एक फ्रेंडली एटीट्यूड होना चाहिए, किसके टूवर्ड्स? स्टूडेंट के टूवर्ड्स। शिक्षक को विद्यार्थियों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। अब आपको क्या बताया गया था, सही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है टीचर का? तो शिक्षक का विद्यार्थियों के प्रति फ्रेंडली एटीट्यूड होना चाहिए, एक मित्रवत दृष्टिकोण होना चाहिए। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए 15 को देखिए, एक नवजात अपनी माता के स्पर्श की प्रतिक्रिया में मुस्कुराता है, यह निम्न में से किस प्रक्रिया का उदाहरण लग रहा है? जो भी इन्फेंट होता है अपनी माता जैसे ही, उसकी माँ जैसे उसको स्पर्श करती है, टच करती है, उसको खुशी मिलती है, उसको जॉय मिलता है। ये कॉग्निटिव है, बायोलॉजिकल है, सोशियो इमोशनल है या एनालिटिकल प्रोसेस है? देखो ये किस प्रकार की प्रक्रिया है, ये आपने देखा होगा कि 14 प्रकार के जो हमारे संवेग होते हैं उसमें वात्सल्य की बात करता है ना, माता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम या बच्चे जिस प्रकार से अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो इसको संवेगात्मक बोला जा सकता है। हमारे पास ऑप्शन में क्या है, सोशियो इमोशनल है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ये किसकी बात कर रहा है, सोशियो इमोशनल की बात कर रहा है ना। ये किसका उदाहरण है, एक नवजात अपनी माता के स्पर्श की प्रतिक्रिया में मुस्कुराता है, ये एक एग्जाम्पल हो सकता है सामाजिक संवेगात्मक इमोशन का। ठीक है, चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक बालक जिसकी शिक्षा की प्राप्ति है उस स्तर से कम है जिसके लिए वह योग्य है, उसे हम कह सकते हैं, मतलब एक बच्चा उस लेवल को अचीव नहीं कर पाया जिसके वो लायक था, कहीं ना कहीं आईक्यू की बात कर रहा है। ये कौन सी कैटेगरी की बात है, ये प्रतिभाशाली होगा, गिफ्टेड होगा, ये पिछड़ा बैकवर्ड हो सकता है, ये डिलिक्वेंट हो सकता है, ये हैंडीकैप्ड हो सकता है। देखो ये शारीरिक समस्या है, ये आपराधिक बालक किसी स्पेसिफिक कारण से हो सकता है, प्रतिभाशाली बालक जिसका आईक्यू काफ़ी स्ट्रांग होगा, है ना, शिक्षा की प्राप्ति उच्च स्तर की होगी, और इसने क्या बोला है कम है, तो कम केवल किस में होती है, बैकवर्ड चिल्ड्रन में हो सकते हैं। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, उसको पढ़ने को नहीं मिला, उसको मौका नहीं दिया गया, कई सारे रीजंस हो सकते हैं बैकवर्ड चाइल्ड के। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 17 को देखिए, आंसर करिए। एनसीईआरटी की नवीनतम पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब अस्तित्व में आई थी? नवीनतम पाठ्यचर्या की बात करा, द लेटेस्ट नेशनल करिकुलम NCF जो है कब आया था, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करिएगा। 2004-5-6 कब आया था, 2005 के अंदर आया था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, NCF 2005। देख लो आप यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें, NCF 2005 चौथे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्रकाशित है, NCERT ने किया था। ठीक है, इसके पूर्ववर्ती में 1975 में आई, 1988 में आई और 2000 में आई, उसके बाद 2005 के अंदर आई है। ठीक है, भारत में स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम डिजाइन करना, करिकुलम डिजाइन करना, पाठ्यपुस्तक के बारे में देखना, शिक्षण प्रथाओं के लिए दिशा निर्देश के रूप में कार्य करता है,
एनसीईएफ 2005 ने शिक्षा पर पिछली सरकार की जो रिपोर्ट जिसे लर्निंग विदाउट बर्डन है ना, शिक्षा बिना बोझ के, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन एनसीईएफ जो है हमारा एनपी है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 से 1992 जैसे फोकस ग्रुप डिस्कशन पर अपनी नीतियों को आधारित किया। इन सब के बेसिस पर किसको डिज़ाइन किया गया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 को यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो लेटेस्ट कौन सी बोल सकते हैं, एनसीएफ 2005 बोला जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 11 वर्षीय बच्चे से संबंधित कौन सा कथन आपको यहाँ पर सही लग रहा है, कौन सा कथन आपका यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, एक सेकेंड यहाँ पर क्वेश्चन को देखेंगे, विच इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट फॉर अ 11 ईयर ओल्ड चाइल्ड, एक 11 वर्षीय बच्चे से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। अगेन हमें किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, नोट के ऊपर फोकस करना है, टेंड्स टू प्ले इन अ ग्रुप, समूह में खेलने के लिए अग्रसर रहता है, उसमें नेतृत्व के गुणों का विकास होता है, अजनबियों के विरुद्ध चिड़चिड़ापन प्रकट करता है, उसके व्यवहार पर समूह का प्रभाव होता है। हमको बोला है कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, टेंड्स टू प्ले इन अ ग्रुप, अभी आपने देखा था एक 12 वर्षीय जो बालक होगा है ना, और यहाँ पर भी 11 वर्षीय देर का अप्रोक्स सेम एज ही है, तो यहाँ पर वो ग्रुप में रहना पसंद करेगा क्योंकि हमको पता था कि यहाँ पर बच्चा सबसे ज़्यादा सोशल जो लर्निंग होती है, सोशल डेवलपमेंट होता है, वो कहाँ पर होता है, प्लेग्राउंड खेल के मैदान में होता है, मतलब ये गुण तो उसके अंदर है ना। मैं डेवलप लीडरशिप क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी निभाएगा क्योंकि नेता अवस्था इसको बोला जाता है, ग्रुप गैंग बनाने की कोशिश बच्चा यहाँ पर इस एज के अंदर, इस चाइल्डहुड एज के अंदर करता है, तो ये भी सही है। शोज टैंटम्स अगेंस्ट स्ट्रेंजर, मतलब विरुद्ध चिड़चिड़ापन दर्शाएगा, नहीं ये गलत हो सकता है क्योंकि इस एज में अभी हमने देखा कि बच्चा कैसा होता है, बच्चा होता है बहिर्मुखी, बहिर्मुखी का मतलब होता है एक्सट्रोवर्ट, किसी से भी बात कर लेना है ना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के सामने रखना, ये सारी चीज़ें होती है, तो चिड़चिड़ापन की तो बात ही नहीं होगी, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। हिज बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज ग्रुप, उसका व्यवहार पर समूह का प्रभाव देखा जा सकता है, जैसा ग्रुप होगा, जैसे ग्रुप के बच्चे बिहेव करेंगे वैसा ही उसका बिहेवियर हो जाएगा, बिल्कुल देखा जा सकता है। आपको क्या बताना था, नेगेटिव बताना था, तो नेगेटिव लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा, आंसर करिएगा, इफ़ द लर्निंग डिसेबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड इज रिलेटेड टू सेंसरी मोटर सिस्टम देन द प्रोग्राम यूज इज, यदि बालक में अधिगम अक्षमता का संबंध, मतलब जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, जैसे कि हम लोग देखते हैं डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया है ना, इस तरीके की कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है जो पढ़ने संबंधित है, उसका संबंध वो किस कारण से हो रही है, संवेदना तथा गामक तंत्र में आए दोष के कारण, सेंसरी मोटर उसकी सेंस करने की क्षमता खत्म हो चुकी है, काफ़ी कम है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं तंत्रिका उसका जो गामक तंत्र है उसके अंदर यदि कोई दोष है, मोटर सिस्टम में यदि कोई दोष है उसके कारण यदि हो रही है, तो इसको उसको ठीक करने के लिए आप कौन से प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे। विटमर का साइको एजुकेशनल प्रोग्राम आप प्रयोग करेंगे, द प्रैगमेटिक जनरल डायग्नोस्टिक रिमीडियल अप्रोच का प्रयोग करेंगे, स्ट्रेस लैटिन किक शेंक परसेप्चुअल मोटर प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे। देखो गामक तंत्र में दोष आए तो डेफिनेटली इसको ठीक करने के लिए मोटर प्रोग्रामिंग का प्रयोग किया जाएगा, तो स्ट्रेस लैटिन क्रैक शेंक परसेप्चुअल मोटर प्रोग्राम का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। इससे क्या होगा, उसके जितनी भी समस्याएं हैं, शारीरिक संबंधी जितनी भी समस्याएं लग रही है, सेंसरी मोटर सिस्टम जितनी भी प्रॉब्लम लग रही है, उसका समाधान यहाँ पर इस प्रोग्राम के थ्रू, मोटर प्रोग्राम के थ्रू किया जा सकता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है। देखो जो देख नहीं सकते दृष्टिहीन के लिए हम लोग ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं, तो श्रवण बाधित बच्चों के लिए सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाएगा। आपने देखा ना जी टीवी पर एक शो भी आता है न्यूज़ वाला, जिसमें जो हमने देखा था जी न्यूज़ पर साइन लैंग्वेज का भी आधे घंटे का प्रोग्राम आता है, जिसमें जितनी भी न्यूज़ होती है वो साइन लैंग्वेज के माध्यम से समझाई जाती है ना, तो सी आंसर आपका करेक्ट होगा। जो सुन नहीं सकते उनके लिए एक्सप्रेशन के जरिए न्यूज़ यहाँ पर दी जाती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन देना। विलियम किल पैट्रिक इज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन विच मेथड ऑफ टीचिंग, विलियम किल पैट्रिक को शिक्षण में किस विधि के योगदान के लिए जाना जाता है, प्रोजेक्ट मेथड के लिए जाना जाता है, ये रहा आपका प्रोजेक्ट मेथड ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 को देखिएगा, किशोर अवस्था को सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित करने वाला एक शब्द है परिवर्तन, यह परिवर्तन शारीरिक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक है, यह कथन किसने बोला है, बिगी और हंटर ने बोला है। ये आपका हर एक पेपर के अंदर एक डेफिनेशन तो पूछी जा रही है राइट, सीजी टेट वाले ध्यान रखेंगे, हर एक पेपर के अंदर एक डेफिनेशन आ रही है, तो डेफिनेशन तो सारी करके जाना, बिगी और हंट आपका करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, बच्चों के उनको यहाँ पर क्या पूछा गया है,
चिल्ड्रंस कैन बी डिटेक्टेड बाय सिम्टम्स ऑफ बिहेवियर लाइक स्ट्रेस, रेस्टलेसनेस एंड स्टैमरिंग। बच्चों को उनके व्यवहार के चिन्हों जैसे तनाव, बेचैनी और हकलाना, जैसे बच्चे तनाव में है, बेचैनी उनको हो रही है ना, और हकलाने जैसी समस्या हो रही है, तो ये कैसे पता चलेगा, कैसे जाना जा सकता है? बुद्धि के माध्यम से, सृजनात्मकता के माध्यम से, संवेग के माध्यम से या परिपक्वता के माध्यम से? देखो, ये तो हो नहीं सकता, है ना। अब संवेग और परिपक्वता, परिपक्वता का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। तो उसके इमोशन उसके संवेगों के माध्यम से पहचाना जा सकता है, क्योंकि ऐसे बच्चे के संवेग आपको काफ़ी क्रोधित, काफ़ी उदास, इस टाइप के दिखेंगे। तो हम लोग उसके इमोशंस को देखकर पहचान सकते हैं कि इस बच्चे के साथ कोई ना कोई प्रकार की प्रॉब्लम चल रही है, कोई ना कोई प्रकार की समस्या चल रही है। 24 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 5 वर्ष का बच्चा पहली बार चिड़ियाघर में ऊँट को देख कर कहता है घोड़ा, मतलब उसने कैमल को देखा और वो बोल रहा है देखो देखो हॉर्स। ये उदाहरण संवेगात्मक या संज्ञानात्मक योजना में किस सुधार की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है? कॉग्निटिव प्लानिंग के अंदर ये किस प्रकार की प्रक्रिया है? ये एसिमिलेशन, समावेशीकरण या अकोमोडेशन, समायोजन या कंजर्वेशन, और ये सीरिएशन हो सकता है। अब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन और लॉ ऑफ सीरिएशन वहाँ पर लगता है। एक चीज़ में जहाँ रूल अप्लाई किया है वही रूल आप आगे से आगे अप्लाई करते जाते हैं, वो लॉ ऑफ सीरिएशन होता है। यहाँ पर तो बच्चा गलती कर रहा है, एक कैमल को देखकर हॉर्स बता रहा है, मतलब मिस्टेक है, मतलब बच्चा अभी प्री ऑपरेशनल में होगा, तो हम लोग इसको हटा देंगे, या फिर बोल सकते हैं कि सेंसरी मोटर में इनिशियल स्टेजेस में होगा, तो वो भी नहीं होगा, है ना। तो कंजर्वेशन भी नहीं हो सकता है। संरक्षण के नियम में क्या करता है, बच्चा एक नियम को दूसरे नियम पर अप्लाई करता है, संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, तो दो तो हो नहीं सकते। अब आपके पास बचा है अनुकूलन। अनुकूलन के अंदर क्या होता है, दो चीज़ें आती है। लॉ ऑफ बैलेंसिंग के अंदर दो चीज़ें आती है। कौन कौन सी दो चीज़ें होती है? एक तो समावेशीकरण होता है और एक समायोजन होता है। जब भी बच्चा स्कीमा को डेवलप करके किसी चीज़ को सीखता है, मतलब उसने क्या कर लिया है, एसिमिलेशन कर लिया है। अब उसमें उसने कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं, मान लो उसको समझ में आ गया है कि हर एक चार पैर वाला जानवर ऊँट नहीं हो सकता है, हालांकि अलग अपनी अलग अलग कैटेगरी होती है, हॉर्स अलग होता है, काऊ अलग होती है, बफेलो अलग होती है, कैमल अलग होता है, मतलब उसने यदि समायोजित कर लिया है तो उसको अकोमोडेशन बोला जाएगा, समायोजन यहाँ पर बोला जाएगा। तो अनुकूलन के दो पार्ट होते हैं, एसिमिलेशन होता है, अकोमोडेशन होता है। अकोमोडेशन जहाँ पर बच्चा चीज़ों को क्रिस्टल क्लियर कर लेता है, जैसे कि पतंग उड़ रही तो बच्चा उसको कौवा बोल रहा है, तो वो दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर वो इस डिफरेंस को समझ पाया तो उसको क्या बोला जाएगा, समायोजन, अकोमोडेशन यहाँ पर बोला जाएगा, ठीक है। चलिए 25 को देखिए, आंसर करिए। अनुभव के द्वारा व्यवहार में लाया गया परिवर्तन क्या कहलाता है? अनुभव के द्वारा व्यवहार में लाया गया परिवर्तन लर्निंग कहलाता है, सीखना कहलाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 26, प्रथम किंडरगार्टन प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा किया गया था? फ्रेडरिक फ्रॉबेल, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉन पेस्टोलॉजी या क्लिंटन के द्वारा? हमको पता है फ्रेडरिक फ्रॉबेल ने किया था, तो क्या हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 होना था? बिल्कुल होना था ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 को देखिएगा। बेसिक शिक्षा या नई तालीम का नया नाम क्या है? बेसिक एजुकेशन या नई तालीम को आप किस नाम से जानते हैं? कंपलसरी एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वर्धा एजुकेशन प्रोग्राम, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान में तो सभी को शिक्षा दी जाए। बेसिक शिक्षा या नई तालीम का हम लोग वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी जानते हैं, जो किसने चलाई थी, गांधी जी ने चलाई थी, है ना। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। 28 का आंसर करिए। मानसिक विकास के क्या क्या पक्ष हो सकते हैं? इमोशन हो सकता है, इंटेलिजेंस हो सकता है, लाफिंग हो सकता है, लैंग्वेज है ये, है ना, संवेग, बुद्धि और भाषा। तो देखो, मेंटल डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो मेंटल डेवलपमेंट में भाषा और बुद्धि का काम नहीं है, है ना। हम लोग बोल सकते हैं मानसिक विकास में क्या आ जाएगा, आपका संवेग आ जाएगा, आपका इमोशन आ जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मेंटल डेवलपमेंट किसकी बात कर रहा है, इमोशन की बात कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। अगर आप बुद्धि सोच रहे कि बुद्धि क्यों नहीं हुआ, तो बुद्धि जो है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आ जाएगा, राइट। प्रयास और भूल द्वारा सीखने के लिए कौन सी चीज़ें आवश्यक होती है? मोटिवेशन, बैरियर, रैंडम रिस्पॉन्स या इन सभी का? प्रयास और भूल के द्वारा सीखने के लिए क्या चीज़ें आवश्यक लग रही है आपको? मोटिवेशन का होना, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए आवश्यक है? बाधा का होना, रैंडम निरर्थक प्रतिक्रियाओं का होना, या फिर ये सारी ही चीज़ें यहाँ पर क्या हो सकती है, करेक्ट हो सकती है। देखो, प्रेरणा तो होती है, मोटिवेशन तो होना मस्ट है, कंपलसरी है ना, मोटिवेशन होगा तभी आप सीख पाओगे। अब इसके अंदर बैरियर, मतलब जब तक आपके सामने बाधा नहीं आएगी, आप उसको सॉल्व करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, है ना, तो वो एरर ट्रायल में इस चीज़ का भी होना, रैंडम रिस्पॉन्सेज, जैसे कि आपको केट वाला एग्जाम्पल बताया, कहीं पर भी वो अपना पंजा मार रही थी, लीवर को दबाने की बजाय उसने हर जगह अपना पैर मार लिया, पंजा मार लिया, लेकिन एट द लास्ट जब उसको समझ में आया कि इस लाल वाले बटन को दबाने से पिंजरे का दरवाजा खुल जाता है, तो कई सारे रैंडम रिस्पॉन्सेज हुए, कई सारी प्रतिक्रियाएं हुई, तो ये सारी चीजें एरर ट्रायल में आती है, मतलब उसकी
एक हिस्सा बोल सकते हैं, उसका एक भाग हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो मोटिवेशन करेक्ट है, बेरियर करेक्ट है, रैंडम रिस्पॉन्सेज भी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 85 है, वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगा? वो एवरेज इंटेलिजेंस, सुपीरियर, डल या अबोव एवरेज इंटेलिजेंस? देखो 85 है यानी कि बिलो 90 है। बिलो 90 से मतलब कि IQ थोड़ा कम होगा, मतलब समझ शक्ति थोड़ी सी कम हम लोग मान सकते हैं। 85 बोला है तो यहाँ पर श्रेष्ठ और सामान्य से अधिक तो होगा नहीं, सामान्य होगा नहीं, क्योंकि 90 to 110 होता है सामान्य। तो क्या बच रहा है? केवल डल यानी कि मंद बुद्धि बच रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, तो ये आज के एक पेपर के हमने 30 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। यदि आपका अभी एग्जाम है तो ज़रूर से मैसेज करिएगा, बाकी सारे पेपर भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे वन बाय वन करके। और अपना स्कोर ज़रूर से एक बार शेयर करके बताइएगा आज का स्कोर क्या रहा है। 30 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट कौन सा पेपर आप कंप्लीट करना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जो भी आप कंप्लीट करना चाहते हैं ज़रूर से बताइएगा, नेक्स्ट सेशन उसी पर होगा। ओके, सेशन को ओवर करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं 8770803840 पर। ओके, सेशन को ओवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है